राधाधोक टोल प्लाजा पर 44 मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की वितरण। बस्सी जयपुर। बस्सी राधाधोक टोल प्लाजा पर जयपुर मावाड़ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड एवं क्यूब रूट फाउंडेशन की तरफ से आज बुधवार को राधाधोक टोल प्लाजा पर मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण समारोह आयोजित किया गया। जयपुर मावाड़ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के टोल महाप्रबंधक श्रीधर नारायण ने बताया कि 30 मेधावी छात्र छात्राओं में से 14 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने कोविड-19 के दौर में अपने परिजनों को खोने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्सी SCP सुरेश सांकला ने संबोधन के दौरान कहा है कि यह पैसा मायने नहीं रखता बल्कि सम्मान मायने रखता है। यह सम्मान इन विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ाने के काम आएगा और साथ ही साथ यह सम्मान के रूप में मिली राशि को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सदुपयोग में ले। जयपुर मावाड़ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के टोल महाप्रबंधक श्रीधर नारायण ने बताया कि आज का युग विज्ञान व तकनीकी का युग है। टोल कंपनी की ओर से अभी तक करीब 250 से भी ज़्यादा लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स करवाया जा चुका है और साथ ही साथ जयपुर के मावा से 3 जगहों पर प्रशिक्षण भी चल रहे हैं जहाँ पर 600 से अधिक महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा चुका है और आगरा रोड के आसपास के गाँवों में 8 तालाबों का पुनरुद्धार किया जा चुका है और समय समय पर शमशान घाट व गौशाले की साफ सफाई भी की जाती है। 44 विद्यार्थियों को 10,000 रुपये के सहयोग राशि चेक व मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बस्सी SCP सुरेश सांकला, जयपुर मावाड़ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड के टोल महाप्रबंधक श्रीधर नारायण, डॉक्टर RD मीना, प्रदीप सिंह सीनियर मैनेजर, सुनील अग्रवाल CSR प्रबंधक, महेंद्र पाल डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान। सर, आगरा रोड पर GMTPL की तरफ से राधाधोक टोल प्लाजा पर आज छात्रवृत्ति वितरण समारोह रखा गया। कई ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है जो कोरोना काल में अपने परिजनों को खोए गए हैं, साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा को लेकर अग्रणी हैं और अपना 100% दे रहे हैं उनको भी छात्रवृत्ति दी गई है। इस तरफ आप क्या अभिवादन करना चाहेंगे टोल कंपनी का? टोल कंपनी का बहुत बढ़िया और बहुत ही प्रेरणात्मक कार्य है। इसमें प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया है तो साथ ही साथ उन छात्रों को भी सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने परिजनों को खोया है। तो वास्तव में इन बच्चों, ये नीडी बच्चे हैं और इनको इस प्रकार से सामाजिक सरोकार और भी जो अन्य संस्थाएँ हैं उनको भी करना चाहिए जिस प्रकार टोल ने किया है। सर, GMTPL की तरफ से राधाधोक टोल प्लाजा पर छात्रवृत्ति वितरण समारोह रखा गया है। इस छात्रवृत्ति के अंदर जो हाईवे के ऊपर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो उनके टॉपर छात्र छात्राओं को, साथ ही साथ कोविड काल में जो विद्यार्थी हैं अपने परिजनों को खो चुके हैं उनको छात्रवृत्ति दी गई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी कंपनी जयपुर मावा टोलवे लिमिटेड क्यूब हाईवे के अंतर्गत आता है जो हम जयपुर से मावा तक की रोड मैनेज कर रहे हैं और हर साल की तरह अंडर CSR एक्टिविटी, ये ना कि केवल CSR एक्टिविटी का कहना है, सामाजिक और नैतिक दायरे के अंदर भी रहते हुए यहाँ के जो करीब 14 स्कूल सरकारी स्कूल्स के 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्लास में उत्तीर्ण किए, जिन्होंने अच्छे मार्क्स पार किए, टॉप किए हैं अपने स्कूल में, उनको 10,000 रुपये की राशि दी गई है। और इसके अलावा 14 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस दौरान कोरोना के दौरान जिन्होंने अपने अभिभावक को खोया है, उन बच्चों की सहायता के लिए कि आगे वो अच्छे से पढ़ सकें, अपने आप को सुचारू ढंग से चला सकें, उनके लिए कुछ मदद की तरह सोच सकें जो अपने जीवन को ठीक कर सकें, उसके लिए राशि दी गई है। साथ ही साथ जो GMTPL है अपनी तरफ से कुछ प्रशिक्षण करवाती है, जैसे आजकल हम टेक्निक का ज़माना है, कंप्यूटर कोर्स करवाती है और कुछ महिलाएँ हैं उनको सिलाई का कोर्स करवाती है, तो अभी तक कितने अपने यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है और कितने महिलाओं को अब तक आपने प्रशिक्षण दिया है? हम ये काम 2016 से कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र हैं इस क्षेत्र में, जहां पर हम महिलाओं को सिलाई के क्षेत्र में प्रशिक्षित करते हैं जो अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और फिलहाल अभी तक करीब 650 महिलाएं ऐसे हैं जो इस प्रशिक्षण को पा चुकी हैं और अपने जीवन को ढंग से चला रही हैं, अपना खुद का व्यवसाय कर रही हैं, आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की ट्रेनिंग सेंटर चल रही हैं जो